प्रथम पुरस्कार संसदीय कार्य मंत्रालय सचिव श्री अफजल अमानुल्लाह। द्वितीय पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री बिमल जुल्का। तृतीय पुरस्कार कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सचिव एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर एस अय्यप्पन। प्रथम पुरस्कार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक सुश्री अजंता दयालन। द्वितीय पुरस्कार रेल मंत्रालय अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं पदेन प्रमुख सचिव रेल मंत्रालय श्री अरुणेंद्र कुमार। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग संयुक्त सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार पीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ऋषिकेश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर एस टी शाही। द्वितीय पुरस्कार एनएचपीसी लिमिटेड फरीदाबाद निदेशक कार्मिक श्री आर एस मीना। तृतीय पुरस्कार पीईसी लिमिटेड नई दिल्ली अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रजनी रंजन रश्मि। ख क्षेत्र में स्थित उपक्रमों में प्रथम पुरस्कार भारतीय कपास निगम लिमिटेड नवी मुंबई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बी के मिश्र। द्वितीय पुरस्कार कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड नवी मुंबई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भानु प्रकाश तायल। तृतीय पुरस्कार द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी श्रीनिवासन। क क्षेत्र के उपक्रम प्रथम पुरस्कार गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल सेवानिवृत्त अनिल कुमार वर्मा वीएसएम। द्वितीय पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अमरेंद्र कुमार दुबे। तृतीय पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी मधुसूदन। इसी योजना के अंतर्गत भारत सरकार के बोर्ड स्वायत्त निकाय ट्रस्ट सोसाइटी आदि को क क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर निदेशक एवं अध्यक्ष प्रोफेसर एस जी देशमुख। द्वितीय पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली आयुक्त श्री अविनाश दीक्षित। तृतीय पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली निदेशक प्रोफेसर जयंत दास। ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास नवी मुंबई अध्यक्ष श्री एन एन कुमार। द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद कार्यपालक निदेशक श्री संग्राम चौधरी। तृतीय पुरस्कार भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड चंडीगढ़ अध्यक्ष श्री ए बी अग्रवाल। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलुरु महानिदेशक श्री एन मुरुगेशन। द्वितीय पुरस्कार रबर बोर्ड कोटायम अध्यक्ष श्री ए जयतिलक। तृतीय पुरस्कार केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोची निदेशक डॉक्टर ए गोपालकृष्णन। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वर्ष 2012-13 के पुरस्कार। क क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के आर कामत। द्वितीय पुरस्कार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक प्रभारी उप प्रबंध निदेशक श्री एन के मैनी। क
ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा, कार्यपालक निदेशक श्री पी श्रीनिवास। द्वितीय पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण तिवारी। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार कैनरा बैंक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव किशोर दुबे। द्वितीय पुरस्कार इलाहाबाद बैंक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राकेश सेठी। क ख और ग क्षेत्रों में स्थित प्रथम स्थान पर आने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र में पुरस्कार विजेता हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लखनऊ बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री कर्णम शेखर। ख क्षेत्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर बैंक, कार्यपालक निदेशक बैंक ऑफ इंडिया श्री बिमल प्रसाद शर्मा। ग क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चेन्नई बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक श्री तेजेंद्र मोहन भसीन। वर्ष 2013-14 में प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार। क क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार एनटीपीसी नई दिल्ली की गृह पत्रिका विद्युत स्वर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरूप राय चौधरी। द्वितीय पुरस्कार भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की गृह पत्रिका इक्षु, संपादक डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह। ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई की गृह पत्रिका प्रेरणा, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विनोद कुमार जैन। द्वितीय पुरस्कार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की गृह पत्रिका सेंट्रलाइट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव ऋषि। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार सीएसआईआर चेन्नई की गृह पत्रिका स्पंदन, हिंदी अधिकारी श्री टीवी राजेंद्रन। द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की गृह पत्रिका सुगंध, निदेशक कार्मिक डॉक्टर जी बी एस प्रसाद। इंदिरा गांधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार मौन मगध में पुस्तक को, पुस्तक के लेखक श्री राजीव रंजन प्रसाद। द्वितीय पुरस्कार ग्राम नियोजन पुस्तक को, पुस्तक के लेखक डॉक्टर महिपाल। तृतीय पुरस्कार ओडिशी नृत्य और भारतीय संस्कृति पुस्तक को, पुस्तक की लेखिका श्रीमती सुप्रभा रवि नारायण मिश्र। प्रोत्साहन पुरस्कार ऑर्किड्स परिदृश्य एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी पुस्तक को, पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक डॉक्टर एन के मीणा। सह लेखक डॉक्टर आर पी मेधी। राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र पुस्तक को, पुरस्कार ग्रहण करेंगी पुस्तक की लेखिका डॉक्टर श्रीमती शुभ्रता मिश्रा। द्वितीय पुरस्कार नीली दिल्ली प्यासी दिल्ली पुस्तक को, पुस्तक के लेखक श्री आदित्य अवस्थी। तृतीय पुरस्कार भारत में माइक्रो फाइनेंस पुस्तक को, पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक श्री प्रवीण भारद्वाज। प्रोत्साहन पुरस्कार गन्ना आधारित फसल पद्धतियां बदलता परिदृश्य एवं तकनीकी विकास पुस्तक को, पुस्तक के लेखक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। इसी पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर सुशील सोलोमन। प्रोत्साहन पुरस्कार आम के रोग तथा विकार एक संक्षिप्त विवरण पुस्तक को, पुस्तक के लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। इसी पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर ए के मिश्र।
केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके उत्कृष्ट लेखों के लिए वर्ष 2013-14 के पुरस्कार, हिंदी भाषी लेखकों के लिए पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री श्याम किशोर वर्मा। इनके साथ हैं सह लेखक श्री बी यू दुपारे। द्वितीय पुरस्कार सफलता का मूल मंत्र है समय का सदुपयोग लेख को दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री एम आर कालवे। तृतीय पुरस्कार बदलते बैंकिंग परिवेश में युवाओं की अपेक्षाएं लेख को, लेखक श्री ऋषिकेश मिश्र। हिंदीतर भाषी लेखकों के लिए पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार लेखक डॉ. राकेश शर्मा। द्वितीय पुरस्कार लेखक श्री मिहिर पटनायक। तृतीय पुरस्कार लेखक डॉ. संदीप रणभिरकर।